दिस इज ज्योतिका चौहान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम घर पर ही विंटर फेयर नवली किस तरीके से बना सकते हैं। एंड इसको बनाना बड़ा ही इजी है एंड इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज आएंगे वो आसानी से हमारे घर पर मिल जाते हैं। सो आप वीडियो को एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप न करें। सो बिना टाइम वेस्ट करें अब हम सीख लेते हैं कि हमें इसको किस तरीके से बनाना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इसको बनाने के लिए सिंपली हमें सबसे पहले चाहिए होगा एक बाउल। आप किसी में भी इसको बना सकते हैं। एंड फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स जो हमें यूज़ करना है वह पाउडर, फेस पाउडर। आप कोई सा भी फेस पाउडर यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। एंड आप जितना बना रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग फेस पाउडर यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इतना फेस पाउडर यूज़ किया है। एंड फिर हमें इसमें ऐड करने के लिए चाहिए होगा लोशन। आप कोई सा भी लोशन या फिर मॉइस्चराइजर क्रीम इसमें यूज़ कर सकते हैं। एंड आपको जितना बनाना है आप उसके अकॉर्डिंग इसको डाल सकते हैं। एंड याद रखें कि हमें लोशन को एक साथ में नहीं डालना है, धीरे धीरे करके इसको मिक्स करना है, क्योंकि एक साथ में डालने से इसमें गांठें पड़ सकती है। एंड आप सभी को पता होगा कि पाउडर हम सर्दियों में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सर्दियों में यूज़ करने से हमारा चेहरा फट सकता है। एंड अगर हम लोशन के साथ इस पाउडर को यूज़ करें तो हम इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। एंड इस क्रीम को एज ए विंटर फेयर लवली भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। एंड फिर हम इसको अच्छी तरीके से मिला लेना है। एंड आपको जितना थिन बनाना है, जितना पतला बनाना है आप उसके अकॉर्डिंग लोशन यूज़ कर सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये विंटर फेयर लवली की तरह ही लग रही है। आप इसको सर्दियों में भी इजीली एज ए विंटर फेयर लवली यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज है क्योंकि मैंने खुद ने इसको अपने चेहरे पर अप्लाई किया है। सो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से बनी है। अपने हाथ पर लगा के आपको अपने चेहरे पर इसको अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल विंटर फेयर लवली की तरह ही आपको नज़र आ रही है। बिल्कुल भी वाइट वाइट नहीं लग रही है। एंड फ्रेंड्स, अगर आप विंटर मॉइस्चराइजर घर पर बनाना चाहते हैं तो उसको भी मैंने घर पर बनाना बताया दो तरीकों से। एंड अगर आपको देखना हो तो उसकी लिंक मैंने ऊपर आई बटन में एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। एंड अगर आपको मेरा यह आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। एंड पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें जिससे कि मेरे आने वाली नई वीडियोस के अपडेट्स आप तक पहुंच जाए। एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक यू।